खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इंदी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत का रहस्य अब गहरा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत का खुलासा होने के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस रोहित शेखर के परिवार से पूछताछ करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। मंगलवार की शाम रोहित शेखर को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत बताया था। और अब बड़ी खबर यह कि रोहित शेखर की हत्या की जांच हो रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम रोहित शेखर के घर पर पहुंच गई है, तफ्तीश चल रही है, रोहित के परिवार और घर के नौकरों से पूछताछ चल रही है। तो ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोहित शेखर की मौत अब एक बड़ी मिस्ट्री बन गई है। हत्या की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। सवाल यह है कि रोहित को आखिर किसने मारा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम उनके घर पर मौजूद है, परिवार वालों से पूछताछ चल रही है, नौकरों से भी पूछताछ चल रही है। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत में हत्या का केस दर्ज होने के बाद अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच को आगे बढ़ा रही है। डिफेंस कॉलोनी के इसी मकान नंबर C329 के अंदर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम रोहित शेखर की मां और पत्नी से पूछताछ कर रही है। बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तब ये बात साफ हो गई कि रोहित की हत्या की गई है। सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई थी। गला घोट के और दम घोट के इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। मंगलवार की शाम को 4 बजे के आसपास एम्बुलेंस के जरिए रोहित को मैक्स अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया था। नाक से खून बह रहा था, खून जमा हुआ भी था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सूत्र ये बताते हैं, ये बात सामने आई है कि रोहित की जो मौत है वो 15 तारीख की देर रात को 1:30 से 2 बजे के आसपास ही हो गई थी। यानी कि करीब 15 घंटे तक इसी घर के अंदर रोहित मृत पड़ा रहा और परिवार के लोग घर के अंदर ही मौजूद थे। पुलिस ने जो CCTV कैमरे लगे हैं इसकी फुटेज खंगाली है। सूत्र ये भी बताते हैं कि 15 और 16 तारीख को कोई बाहरी व्यक्ति घर के अंदर नहीं गया था। जो घर के नौकर थे और जो परिवार के सदस्य थे उन्हीं की जो मूवमेंट है वो घर के अंदर दिखी थी। यही वजह है कि पुलिस अब परिवार वालों से पूछताछ कर रही है कि रोहित कितने बजे घर पहुंचा था, वो उस सीक्वेंस को कनेक्ट किया जा रहा है। हालांकि जो घर के जो नौकर है, जो बेहद करीबी रोहित के बताया जाता है, उसने पुलिस को इस बयान दिया है कि 15 तारीख की रात करीब 11 बजे रोहित घर पर आए थे, उसके बाद सो गए थे। उसने सुबह करीब 9 बजे के आसपास जो ये कमरा है बालकनी का आपको नजर आ रहा है, जिसके अंदर रोहित की लाश मिली थी, इसका दरवाजा खुला देखा था, लेकिन घर के कमरे के अंदर अंधेरा था तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। शाम करीब 4 बजे के आसपास जो रोहित की पत्नी है उन्होंने उस नौकर से कहा कि वो जाकर रोहित को उठाए, और जब वो कमरे के अंदर गया तो रोहित बेड पर पड़ा हुआ था, उसकी नाक से जो खून बह रहा था वो जम चुका था। अब फिलहाल पुलिस परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर रोहित की देर रात को ही मौत हो गई थी तो शाम 4 बजे तक परिवार वालों ने रोहित को उठाने की जहमत क्यों नहीं उठाई। ऐसे क्या हालात थे कि रोहित को किसी ने सोते हुए नहीं उठाया। किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ था, कोई मनमुटाव हुआ था, कोई बाहरी शख्स भी घर के अंदर जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल पुलिस अभी CCTV फुटेज खंगाल रही है, नौकरों के बयान लिए जा रहे हैं और जो रोहित की पत्नी और मां है उनसे भी पूछताछ कर रही है। कैमरामैन मनोज के साथ वरुण जैन, ABP न्यूज दिल्ली। तो रोहित शेखर की मौत की मिस्ट्री उलझती जा रही है। रोहित के ससुर पद्माकर शुक्ला का कहना है कि पति पत्नी में कोई मनमुटाव नहीं था, जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप गलत है। मेरे को पुलिस ने बताया नहीं है और न मेरे को कुछ मालूम है इस विषय में। मेरे को कुछ नहीं मालूम भैया, कुछ अपूर्वा अंदर होगी, मेरे से मिली नहीं अभी। और मदर रोहित का मर्डर हुआ, रोहित की रोहित अब ये इस विषय में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। इससे पहले किसी तरह की कोई झगड़े, वो झगड़ती ही नहीं है, स्वभाव ही नहीं उसके झगड़ा करना। वो पुलिस वाले अब कुछ भी कह सकते हैं, वो झगड़ने का स्वभाव ही नहीं है उसका। दोनों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं, कभी मनमुटाव का तो कल्पना ही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि गला दबाने से और इस तरह से, अब वो मेरे को इस विषय में कुछ नहीं कहना है। तो अब सवाल यह कि रोहित शेखर का कातिल आखिर है कौन। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम उनके घर पर पूछताछ कर रही है।